नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल तड़का, जिसके लिए मैंने लिया है चना का दाल 1 कप और हरी मूंग 1/2 कप। तो चलिए पहले हम इसे अच्छी तरह पानी से धो के इसे बॉईल करते हैं। तो इसमें हम पानी डाल के इसे अच्छी तरह धो लेंगे। ताकि इसमें जो गंदगी है वो बाहर निकल आए। देखिए ये गंदगी बाहर आ गई है। तो अब हम लेंगे एक प्रेशर कुकर, इसमें डालेंगे पानी और हमारी ये दाल। इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और हल्दी। ये डाल रही हूँ मैं नमक और 1/2 छोटे चम्मच हल्दी। अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसमें 6 से 7 सीटी लगाएंगे। तो मैं इसे इंडक्शन पे चढ़ा रही हूँ और मैंने इसका टेम्परेचर रखा है 600 और इसमें मैं लगाऊंगी 7 सीटी। तो जब तक दाल बॉयल हो रहा है तब तक मैंने काट के रख लिया है। ये मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ काटी हैं, 1 मीडियम साइज का टमाटर, 2 छोटे साइज के प्याज और ये 6 से 7 हरी मिर्च। तो चलिए अब हम दाल के तड़के की तैयारी कर लेते हैं। गैस को करते हैं ऑन। ये मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई को हम थोड़ी देर तक गर्म करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच सरसों तेल, तेज पत्ता, 1/2 छोटा चम्मच जीरा और इन सबको हम थोड़ी देर चटकने देंगे। तो जीरा हमारा चटक चुका है, इसमें अब हम डालेंगे हरी मिर्च, लहसुन, इसे 1 मिनट तक हम पकाएंगे। इस तरह से इसे पकाने से क्या होगा, इसके जो ऑयल है उसमें लहसुन का स्मेल अच्छी तरह से आ जाएगा और हमारा जो तड़का है वो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। 1 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, इसे हम सुनहरा भूरा होने तक भूनेंगे। प्याज हमारा 1/2 फ्राई हो चुका है, थोड़ी देरी से और पकाएंगे ताकि ये सुनहरा भूरा हो जाए। तो प्याज हमारा भूरा हो चुका है, इसमें अब हम डालेंगे टमाटर, और इसके साथ मैं इसमें डालूंगी घर का पिसा हुआ मसाला जिसमें है गोलकी, मिर्च, लहसुन, धनिया। तो ये मसाला मैं यूज करूंगी इसमें, और इसके साथ डालूंगी कश्मीरी मिर्च, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च और 1/2 चम्मच मीट मसाला। इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे। नमक हमने दाल में पहले से डाल रखा है इसलिए मैं इसमें नमक और हल्दी का यूज नहीं करूंगी। इसे हम अच्छी तरह भूनेंगे, इसमें लग सकते हैं हमारे 4 से 5 मिनट। तो देखिए हमारा मसाला भून चुका है, इसमें अब हम डालेंगे बटर। बटर डालने से तड़के का टेस्ट दोगुना हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे, मिक्स करेंगे। बटर डालते ही इस मसाले की खुशबू, इस तड़के की खुशबू बहुत ही चेंज हो चुकी है पहले से। बटर ऑप्शनल है, अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप बिना बटर के भी तड़का बना सकते हैं। तड़के का मसाला हमने तैयार कर लिया है, तो चलिए अब हम इसमें दाल डालते हैं। तो देखते हैं
ये देखिए दाल हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, तो अब हम इसे डालेंगे इस मसाले के अंदर। इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक इसे ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी ग्रेवी के लिए। पानी आपको इसमें अंदाज से डालना है, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी का यूज़ करेंगे। हम चला के देखेंगे, ये सारी दालें अच्छी तरह पानी के अंदर डूब जानी चाहिए। तो देखिए हमारी दालें जो है वो पानी के अंदर है, तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक बॉयल आने देंगे, फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए हमारा तड़का तैयार हो चुका है, तो दाल तड़का तैयार है अब हमारा सर्व करने के लिए। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। उससे पहले हम इसमें डालेंगे कटे हुए हरे धनिए। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं इस बॉल में। इसे अब हम गार्निश करेंगे थोड़े से धनिए के पत्ते से। तो तैयार है हमारा दाल तड़का खाने के लिए। आप चाहे तो इसे फ्राइड राइस के साथ या प्लेन सादे रोटी के साथ खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।